सिलगेर में खुले नए पुलिस कैंप को लेकर मचे बवाल और आदिवासियों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच आज एक राहत भरा निर्णय आया है। छत्तीसगढ़ सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता साफ हो गया है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन किया है। बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में कमेटी आंदोलनकारियों से बात करने सिलगेर जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बातचीत के लिए क्यों मानी सरकार, प्रदर्शनकारी वार्ता के लिए कैसे हुए तैयार। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सिलगेर में आखिर बवाल क्यों मचा है। दरअसल 12 मई 2021 को छत्तीसगढ़ के सिलगेर में सरकार ने सुरक्षा बलों का नया कैंप खोला है। 13 मई से ही 22 ग्राम पंचायत के 82 आश्रित गांवों के करीब 7000 आदिवासी नए खुले इस पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। 17 मई को विरोध के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत और गोलीबारी के बाद मचे भगदड़ में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। अब इस बीच पुलिस और प्रशासन के साथ आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है जो बेनतीजा रही। आज यानी कि 1 जून को आदिवासियों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी है। 20 दिनों बाद अब राज्य सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता का रास्ता साफ हुआ है। अब बताते हैं कि आखिर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता का रास्ता कैसे बना। दरअसल पहले दिन से घटना को कवर कर रही बस्तर जंक्शन की टीम आज फिर से सिलगेर पहुंची, साथ में भूमकाल समाचार के संपादक कमल शुक्ला भी थे। बस्तर जंक्शन की टीम और कमल शुक्ला ने आंदोलनरत आदिवासियों से चर्चा की। देखिए, हमारी तरफ से एकदम निवेदन है आप लोगों का, इतना सा क्रोच नहीं आना चाहिए, ठीक है? आप लोग बात कीजिए, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि मारिए पीटिए मत। आप लोग आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं ना, हम लोगों को खुद को बुरा लगा, इस वजह से कल हम सरकार से बात किए। अच्छा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और भैया भी जो है ना, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप लोगों से लगातार आप लोगों का फोन जा रहा था ना लगातार, उसके बाद भी जो है ना 400 किलोमीटर दूर से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। कल हम दोनों बैठ के जो है सरकार से बात किए, फिर सरकार भी राजी हुई कि ठीक बात करेंगे। बात तो करो जी। कोई कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। बात करो, फिर बात करो, फिर बात करो जी, जी, जी। परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, हमको नहीं पता। ना मैं ना हम लोग ना सरकार की तरफ से हैं, और ना ही ऐसे कहो कि आप लोगों की तरफ से हैं। बस आप लोगों की परेशानी हमसे नहीं देखे जा रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है आप लोगों के हित के लिए लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे हैं, लगातार आते रहे हैं। बस आप लोग इतना ज्यादा परेशान, इसीलिए आए थे जो सरकार चाह रही है जल्दी से जल्दी हो जी। तो कुल मिला के चलो 4 से 3 हो गया। वो तो कल ही आने को तैयार थे, ठीक है? तो अभी बात भी किया ना आप लोग, तो कल आने को तैयार थे। चलो ठीक है। तो 3 तारीख को जो है आप लोगों से फिर एक बार निवेदन है, हम दोनों का निवेदन है, हम लोगों का सम्मान रख लो जी। उस दिन हम लोग करोच तक नहीं आना है ना, उनको लेके हम मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हम बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है सर? आप लोग बात कीजिए, आप लोग को जो लगता है, हम लोग अपनी रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, ठीक है सर? ठीक है जी जी। इस चीज का पूरा आप हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं ना, तो आश्वस्त कर विश्वास जी के साथ जाए ना, क्योंकि हम उनको बोले सरकार चाह रही क्या, वो सुकमा कहाँ जो वो देने जाने वाले थे ना, पावती है, वो सब यहीं आ जाएंगे, सरकार जो है यहीं पहुंचेगी। रायपुर से जनप्रतिनिधि आएंगे, कई सांसद और कई विधायक जो सरकार देने का था वो खुद यहाँ पे आके लेंगे। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि इतना लेट मत करिए, मतलब 4 तारीख का जो डेट आप लोग दे रहे हैं ना, 4 तारीख के डेट के बदले ना 2 तारीख को, 2 तारीख 2 कर लो, 3 कर लो, मतलब कल कर लो ना, कल बात कर लो, क्या दिक्कत है ना? तो आप देख लीजिए बात करके जी। तो कल 2 तारीख को कैसे, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं?
थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। हाँ, चर्चा कर लीजिए। तो सर ये जो एप्लीकेशन आई है तो सुकमा से आई ना? हाँ, वो लोग यहीं पे आएंगे, वो सब यहीं आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग यदि सरकार से बात कर, अभी फोन पे बात करना चाहते हैं, नेटवर्क है किसी के? हाँ हाँ, नेटवर्क है जी। नंबर दीजिए सर। तो कल नहीं, अभी बात कर लेते ना यहीं से। बता रहा हूँ किसके किसी नेटवर्क बता रहे हैं। लो लगाओ एक नंबर। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि ये लंबा बैठना, आप लोग जो परेशान है ना, हाँ, बस उसका समाधान हो जाए। समाधान हो सरकार, मैं नहीं जान, हम सरकार की तरफ से आए हैं ऐसा भी नहीं है ना, हम आपके तरफ से हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं। हेलो, आएंगे ना, हमारी तरफ से हमारी जवाबदारी रहेगी, हमारी तरफ से एकदम निवेदन है आप लोगों का, इतना सा करौंच नहीं आना चाहिए। आप लोग बात कीजिए, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि मारिए पीटिए मत। आप लोग आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं ना, हम लोगों को खुद को बुरा लगा, इस वजह से कल हम सरकार से बात किए। और भैया भी जो है ना, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप लोगों से लगातार, आप लोगों का फोन जा रहा था ना लगातार, उसके बाद भी जो है ना 400 किलोमीटर दूर से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। कल हम दोनों बैठ के जो है सरकार से बात किए, फिर सरकार भी राजी हुई कि ठीक बात करेंगे। बात तो करो जी। कोई कोई ना कोई निष्कर्ष नहीं देगा। बात करो, फिर बात करो, फिर बात करो जी। परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, हमको नहीं पता ना। मैं ना, हम लोग ना सरकार की तरफ से हैं, और ना ही ऐसे कहो कि आप लोगों की तरफ से हैं। बस आप लोगों की परेशानी हमसे नहीं देखे जा रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है आप लोगों के हित के लिए लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे हैं, लगातार आते रहे हैं। बस आप लोग इतना ज्यादा फिर दोबारा इसीलिए आए थे कि वो सरकार चाह रही है जल्दी जल्दी हो जी। तो कुल मिला के चलो 4 से 3 हो गया। वो तो कल ही आने को तैयार थे। ठीक है, अभी बात भी किया ना, तो कल आने को तैयार थे। चलो ठीक है, ठीक है। तो 3 तारीख को जो है आप लोगों से फिर एक बार निवेदन है, हम दोनों का निवेदन है, हम लोगों का सम्मान रख लो जी, उधर हम लोग करोच तक नहीं आना है ना उनको लेके। हम मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हम बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है सर, आप लोग बात कीजिए, आप लोगों को जो लगता है, हम लोग अपनी रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ठीक है सर, ठीक है जी जी। इस चीज का पूरा आप हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं ना, तो आश्वस्त करें, विश्वास जी के साथ जाए ना, क्योंकि हम उनको बोलेंगे फोर्स लेके मत, फोर्स लेके नहीं आएंगे। वो उनकी मर्जी, यदि फोर्स भी आई ना, क्योंकि हम साथ रहेंगे तो फोर्स नहीं, मगर नहीं भैया, फोर्स आएगी तो भी करों तक नहीं आएगा ना, कोई ना कोई फोर्स आने से कोई परेशानी नहीं। सही सर, जो भी आना है तो आने दीजिए, लेकिन वो उनकी मर्जी, यदि फोर्स भी आई ना, क्योंकि हम साथ रहेंगे तो फोर्स नहीं, मगर नहीं भैया, फोर्स आएगी तो भी करों तक नहीं आएगा ना, कोई ना कोई फोर्स आने से कोई परेशानी नहीं। सही सर, जो भी आना है तो आने दीजिए, लेकिन उधर से बुलाओ। हमारी पहल पर प्रदर्शनकारी सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए तैयार हुए। इसके बाद हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरी बातचीत पर नज़र बनाए हुए थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा वार्ता के लिए हामी भरने की जानकारी मिलते ही सीएमओ छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए समिति का गठन का ऐलान किया गया। अब 3 जून को बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में संभाग के 8 विधायक बातचीत के लिए सिलगेर गांव जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ बस्तर की ज़मीनी हकीकत आपको बताएं, बल्कि यहां के वनवासियों की बात सरकार तक पहुँचाएँ। सिलगेर मामले में आंदोलनरत ग्रामीणों की बात सरकार तक हमने बेबाकी से पहुंचाई, जिसका परिणाम आज देखने को मिला। सरकार द्वारा गठित समिति और आंदोलनरत आदिवासियों के बीच वार्ता का परिणाम क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आप तक बस्तर की वो ज़मीनी रिपोर्ट भी पहुंचाते हैं जो आम तौर पर मुख्य धारा की मीडिया से गायब रहती हैं। और हाँ, कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।